15 अगस्त 1947 भारत को आजादी, और इसी वर्ष जम्मू और कश्मीर में अक्टूबर में पाकिस्तान की सेना ने कबाइलियों के साथ मिलकर हमला शुरू कर दिया। ये लड़ाई करीब 1.5 साल तक चली। जम्मू और कश्मीर के ऐसे कई इलाके थे जहां भारतीय सेना उस वक्त पूरी तरह पहुंच भी नहीं पाई थी, सैनिकों की संख्या भी कम थी, लेकिन हिम्मत और हौसला हिमालय पर्वत जितना विशाल। और ऐसे ही हिम्मती थे राजपूत रेजिमेंट के नायक जदुनाथ सिंह। फरवरी 1948, नौशेरा, कश्मीर। युद्ध के मोर्चे पर पाकिस्तान को लगातार मुंह की खानी पड़ रही थी। पाकिस्तान से आ रहे कबायली भारतीय सैनिकों के रण कौशल के आगे मात खा रहे थे, लेकिन सीमा से लगे कुछ ऐसे इलाके थे जहां दुश्मन पैर जमा चुका था। उन्हीं में से एक था नौशेरा सेक्टर का झांगर। जिसे वो 24 दिसंबर 1947 में अपने कब्जे में कर चुका था। 1947-48 की लड़ाई में नौशेरा में हुई जंग को सबसे बड़ी जंग कहा जाता है। 6 फरवरी 1948 को नौशेरा पर हमले में दुश्मन ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दुश्मन ने बहुत ताकत से हमला किया था। उसके पास मीरपुर से लेकर पुंछ तक की कम्युनिकेशंस लाइंस की कमांड थी, इसलिए वो नौशेरा पर इतना बड़ा हमला कर सका था। लेकिन भारतीय सेना भी तैयार थी। इससे पहले जनवरी 1948 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया और नौशेरा के उत्तर पश्चिम में मौजूद कोट गांव पर कब्जा वापस जमा लिया। ये पक्का था कि दुश्मन नौशेरा पर अलग अलग दिशाओं से हमला करेगा। इन्हीं में से एक था नौशेरा के उत्तर में तंधार। फरवरी 1948 की सुबह दुश्मन ने हमला कर दिया। धीरे धीरे पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने लगा। कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन भारतीय चौकियों के पास आ गए। जब थोड़ा उजाला हुआ तो भारतीय सैनिकों ने देखा कि उनके आसपास सैकड़ों दुश्मन मौजूद थे। उस दिन उस बेहद खास जगह तंधार में पिकट नंबर 2 की एक फॉरवर्ड पोस्ट की कमांड नायक जदुनाथ सिंह के हाथ में थी। उस पोस्ट पर सिर्फ 9 लोग थे जिनके सामने थे सैकड़ों दुश्मन। दुश्मनों ने एक के बाद एक पोस्ट पर हमला बोलना शुरू किया, लेकिन नायक जदुनाथ सिंह ने अपनी छोटी सी टीम के साथ ऐसा साहस दिखाया कि सैकड़ों दुश्मनों के होश उड़ गए। हालांकि जदुनाथ के भी 4 जवान घायल हो गए, लेकिन वो वापस नहीं लौटे, पोस्ट पर डटे रहे। अगले हमले में भी दुश्मनों को कामयाबी नहीं मिली। हालांकि इस बार जदुनाथ समेत उनके सारे जवान भी घायल हो चुके थे। जदुनाथ का ब्रेन गनर घायल हो गया था, तो जदुनाथ ने गन खुद अपने हाथ में ले ली और ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया कि दुश्मन को दूसरी बार वापस लौटना पड़ा। दुश्मनों से लड़ते लड़ते जदुनाथ के सारे जवान शहीद हो चुके थे। जदुनाथ खुद बुरी तरह से घायल थे। दुश्मन ने तीसरा हमला कर दिया। घायल जदुनाथ ने स्टिंग गन अपने हाथ में ली और अकेले ही बोल दिया हल्ला। दुश्मन घबरा गया, लेकिन गोलियां
जदुनात के भी लग गईं सिर में और सीने में। जदुनात ने मातृभूमि पर जान न्योछावर कर दी, लेकिन नौशेरा की उस लड़ाई में तिरंगे की शान कम नहीं होने दी। मरणोपरांत नायक जदुनाथ सिंह को वीरता के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया, परमवीर चक्र नायक जदुनाथ सिंह को।